हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को। तो आइए आज के हाउस प्लान की बात कर लेते हैं। आज का हाउस प्लान 30x45 फीट का है और 1350 स्क्वायर फीट का ये एरिया है। अगर इसके कॉस्टिंग की बात की जाए तो आपको 36 लाख रुपए तक की इसकी कॉस्टिंग आ सकती है और इसकी बाकी की डिटेल्स आपके सामने आ रही होंगी, आप इसमें देख सकते हैं। और हाउस की तीनों साइड अदर प्रॉपर्टीज रहेंगी। अगर आप इसका 2D डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका प्लान पेड है और जो इसकी पेमेंट्स की डिटेल्स हैं वो आपको नीचे मिल जाएंगी, आप इसको वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों आइए आज के हाउस की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आपको हाउस में क्या कुछ देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपको अच्छे कंटेंट इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके एक बार उसको चेक कर लीजिए। और दोस्तों आपको मेन गेट से एंट्री लेते ही आपको अच्छी खासी पार्किंग देखने को मिल जाएगी और इस पार्किंग में आप अपनी एक कार आराम से खड़ी आप कर सकते हैं। और आप इसका ऊपर का भी डिज़ाइन देख सकते हैं, ऊपर हमने लूवर दिए हैं। और दोस्तों इसी के साथ आप सामने देख सकते हैं, आपको पेडेस्ट्रियन अलग से देखने को मिल जाता है और दोस्तों आपको हाउस के फ्रंट में भी ओपन स्पेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हम एंट्री लेंगे हमारे हाउस के ड्राइंग रूम एरिया में। आप ड्राइंग रूम एरिया को सामने देख सकते हैं, आप इसके सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं। अगर हम इसके ओवरऑल लुक की बात करें तो आपको एक बहुत अच्छा लुक देखने को मिल जाता है। और दोस्तों हमने हाउस की प्राइवेसी को देखते हुए हमने इस ड्राइंग रूम को थोड़ा अलग रखा है। अगर हम इससे आगे चलते हैं तो हम आपको अभी दिखाते हैं हमारे हाउस का कॉमन टॉयलेट, आप देख सकते हैं वीडियो में आगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद हम हमारे हाउस के पार्किंग एरिया से एंट्री लेंगे हाउस के लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया में। आप देख सकते हैं, आप इसके ऊपर का सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं इसके ओवरऑल लुक की बात करूं तो आपको एक बहुत अच्छा लुक देखने को मिल जाएगा। आप सामने इसका वैनिटी देख सकते हैं और जो आपको स्टेयर का ब्लॉक है वो आपको अलग से देखने को मिल जाता है। और आप इसका बैकबॉल डिज़ाइन भी देख सकते हैं, हमने बैकबॉल डिज़ाइन में वॉलपेपर और मिरर का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। ये एक देखने में एक अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। इससे आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं आपको हमारे हाउस का किचन एरिया देखने को मिल जाएगा और जो किचन के कैबिनेट्स हैं हमने इसको डुअल टोन में रखा है, आप देख सकते हैं। इसका भी देखने में एक लुक आपको अच्छा मिल जाएगा। अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं आपको मिल जाता है हमारे हाउस का OTS एरिया। और जो OTS का एरिया है, OTS का एरिया भी आपको स्पेशियस देखने को मिल जाएगा और जो हाउस के अंदर के रूम वगैरह हैं उनकी वेंटिलेशन इसी OTS से होगी।
और दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अभी हम चलते हैं हमारे हाउस के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। आप देख सकते हैं, आप इसके ऊपर की सीलिंग डिजाइन देख सकते हैं। आपको इस रूम में आपको अच्छा खासा वार्डरोब देखने को मिल जाएगा, आपको इस रूम के साथ अटैच टॉयलेट भी देखने को मिल जाएगा। आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर की ओर। और आप स्टेयर के नीचे का एरिया देख सकते हैं, आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। आप इस जगह को अपने हिसाब से इस्तेमाल में ले सकते हैं। और इसी के साथ अभी हम ऊपर चलेंगे। अभी हमने ऊपर एंट्री ले ली है। ऊपर एंट्री लेते ही आपको सामने फैमिली लाउंज एरिया देखने को मिल जाएगा। हमने आपको फर्स्ट फ्लोर पर पूजा रूम भी प्रोवाइड किया है। आप देख सकते हैं जो फैमिली लाउंज का बैक बोल डिजाइन है उस पर आपको स्टूको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आप देख सकते हैं, और जो हमारा हाउस का फैमिली लाउंज है उसके साथ आपको अटैच बालकनी भी मिल जाएगी। और जो ये हमारे हाउस की बालकनी है, बालकनी भी आपको अच्छी स्पेशियस देखने को मिल जाती है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर के कॉमन टॉयलेट की ओर। आप देख सकते हैं ये टॉयलेट भी आपको सेम ग्राउंड फ्लोर की तरह ऊपर देखने को मिल जाता है। तो इससे आगे बढ़ते हुए अभी हम चलेंगे हमारे हाउस के सेकंड बेडरूम की तरफ। आप देख सकते हैं, आप इसके सीलिंग डिजाइन देख सकते हैं। आपको देखने में काफी अच्छा ओवरऑल लुक मिल जाता है, और इसमें भी आपको अच्छी वार्डरोब देखने को मिल जाएगी। और जो ये रूम है इसकी एक अच्छी बात ये है कि इसके साथ भी आपको अटैच बालकनी देखने को मिल जाएगी। तो इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं हमारे हाउस के थर्ड बेडरूम की तरफ। आपको यहाँ पे बैक वॉल पे वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा, और इसमें भी आपको वार्डरोब देखने को मिल जाएगी, और सामने टीवी पैनल मिल जाएगा, और ओटीएस से इसकी वेंटिलेशन होगी, और इस रूम के साथ आपको अटैच टॉयलेट भी मिल जाएगा। अभी हम चलेंगे हमारे हाउस के फोर्थ बेडरूम की तरफ। फोर्थ बेडरूम में आप देख सकते हैं, आप इसकी सीलिंग डिज़ाइन देख लीजिए, आपको ओवरऑल एक अच्छा लुक देखने को मिल जाएगा। और ये रूम भी आपको स्पेशियस देखने को मिल जाता है, इसमें भी अच्छे वार्डरोब मिल जाएंगे। और जो इस रूम की वेंटिलेशन है वो भी आपको ओटीएस से होती हुई सामने दिख जाएगी।
हाँ तो दोस्तों अभी बारी है हमारे हाउस के सेकंड फ्लोर यानी हमारे हाउस के टेरेस एरिया की तरफ। हम चलते हैं अभी सीढ़ियों से होते हुए, सीढ़ियों पर भी आपको अच्छा स्पेस मिल जाएगा। अभी हम आ चुके हैं हमारे हाउस के टेरेस एरिया की तरफ। तो अभी आप सामने देख सकते हैं, सामने आपको परगोला मिल जाता है और अच्छा सिटिंग एरिया देखने को मिल जाता है। आप इसमें आगे देख रहे होंगे, अगर आप साइड में देखें तो आपको OTS एरिया दिखेगा। OTS के ऊपर हमने एक जाल प्रोवाइड किया है, आप चाहें तो आप इसको कवर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा ओवरऑल हाउस था वो हमने आपको दिखा दिया है। तो अभी आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि हमें भी आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आते रहते हैं। अगर आप इसका 2D लेआउट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये प्लान पेड है। तो इसकी पेमेंट्स की डिटेल्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसका डिटेल्ड प्लान डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। नमस्कार।